मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार 43,07,00,000 रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्सडेल भवन चरण 3 का लोकार्पण किया। इस 8 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 चार पहिया और 60 दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेल, जनजातीय विकास कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग हॉल, अधिकारियों और वाहन चालकों के लिए कमरे और एसबीआई और पीएनबी की शाखाओं की विभिन्न कार्यालय है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने पर सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर विशेष बल दिया। गौर हो कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के उपरांत प्रशासन को नई दिशा दी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हमारी पुरानी सचिवालय की जो बिल्डिंग है, जो कि ऐतिहासिक है, हेरिटेज बिल्डिंग है, कितने लोगों ने वहां काम किया और किस प्रकार यहाँ के फैसले हुए, हमारी सरकार फैसले करती रही, किसी भी पार्टी की सरकार फैसले करती रही और प्रदेश को एक दिशा देती रही, अधिकारी भी कर्मचारी भी, आप सबके सहयोग से ये बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। पर इन इमारतों में अपनी यादें आप सब छोड़कर जाते हैं, जो इस सचिवालय में कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छी हमारा ये भवन निर्माण हुआ है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है। बदलाव हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, नियमों में परिवर्तन कर किया जा रहा है, समाज में क्या बुराई है उसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश है। और ये नहीं हम दिन रात छुट्टी वाले दिन बैठ कर भी फैसला कर रहे कि करें वो काम हो, इसलिए हम आईटी में जो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो हेल्थ का ऐसा हेल्थ टेक्नोलॉजी और हेल्थ टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, आईटी सेक्टर को कैसे लाना है, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।